राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है मैं प्रिया आपके साथ उन्नीस सौ लगी को रिलीज हुए 6 मई को 29 साल बीत चुके हैं काजोल अक्षय कुमार और सैफ अली खान फिल्म में में लीड रोल थे जिसे नरेश मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया था फिल्म के 29 साल पूरे होने पर इसकी लीड एक्ट्रेस काजोल ने इससे जुड़ा किस्सा शेयर करते हुए बताया कि बोल्ड सीन की शूटिंग के दौरान उनके बचका ने बिहेवियर से सरोज खान काफी गुस्सा हुई थी काजोल ने 6 मई को फिल्म ये दिल्लगी का एक पोस्टर शेयर करते हुए फिल्म की मेकिंग से जुड़ी मजेदार बातें शेयर की उन्होंने लिखा इस सेट में मुझे बहुत मजा आया था बहुत सारी छोटी छोटी यादें थी अक्षय अपनी कुकिंग स्किल्स की काफी तारीफ करते थे फाइनली उन्होंने सिंपल लेकिन अमेजिंग दाल बनाई थी हमें अंधेरे में बर्फबारी के बीच डेढ़ किलोमीटर पहाड़ चढ़ना पड़ा था क्योंकि हमारी कार नीचे ही बंद पड़ गई थी और हमारा होटल पहाड़ के ऊपर था और वहाँ कोई सेलफोन भी नहीं थे आगे का जो लिखती है कि एक छोटी सी स्कर्ट पहनकर घोड़े पर बैठना और ये सोचना कि मेरी हेट मेरा चेहरा कवर कर लेगी जब मैं और सेल्फ फिल्म के गाने होटो पे बस की शूटिंग कर रहे थे तो हम जोर जोर से हंस रहे थे और सरोज जी फिल्म नहीं बल्कि हमें शूट करना चाहती थी फिल्म में रीमा जी ने पहली बार मेरी माँ का रोल प्ले किया था और हम सेट पर साथ बैठकर ताश खेलते थे। मनीष मल्होत्रा और मैं हम कपड़ों के ट्रायल्स लेते थे और यश चोपड़ा हमें इसी बीच कुछ खाने का सुझाव देते थे ये फिल्म नहीं बल्कि वो यादें हैं जो हम उस समय सोच रहे होते हैं। ये दिल लगी के उनतीस साल पूरे इसी के साथ बने टीवी के साथ धन्यवाद